नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पतंजलि के सारे प्रोडक्ट बनाने वाली बाबा रामदेव की दिव्य फार्मेसी के लिए बुरी खबर सामने आई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों पर वह खरा नहीं उतरते और दिव्य फार्मेसी को नेपाल ने काली सूची में भी डाल दिया है। यह कठोर कदम सिर्फ दिव्य फार्मेसी ही नहीं बल्कि 16 भारतीय दवा कंपनियों के खिलाफ लिया गया है। नेपाल के औषधि नियामक प्राधिकरण के इस फैसले के बाद देश में पतंजलि प्रोडक्ट के निर्माण पर बड़ा संकट आ गया है। दिव्य फार्मेसी के साथ ही 16 उन भारतीय दवा कंपनियों के लिए भी बड़ी समस्या आ गई है जिन्हें नेपाल में काली सूची में डाल दिया गया है। पतंजलि के साथ सभी 16 भारतीय दवा कंपनियां विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के दवा निर्माण मानकों पर खरी नहीं उतर पाई। औषधि प्रशासन विभाग 18 दिसंबर को नोटिस जारी करते हुए नेपाल में इन दवाओं की आपूर्ति करने वाले स्थानीय एजेंट को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्हें इन कंपनियों के सभी प्रोडक्ट्स तुरंत वापस लेने को कहा गया है। विभाग द्वारा जारी नोटिस के मुताबिक सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा निर्मित दवाओं का नेपाल में आयात या वितरण नहीं किया जा सकता। विभाग के अधिकारियों के अनुसार WHO के मानकों का पालन नहीं करने वाली कंपनियों की सूची उन दवा कंपनियों की विनिर्माण सुविधाओं के निरीक्षण के बाद प्रकाशित की गई जिन्होंने अपने उत्पादों को नेपाल में निर्यात करने के लिए आवेदन किया था। अप्रैल और जुलाई में विभाग ने दवा निरीक्षकों की एक टीम को उन दवा कंपनियों की निर्माण सुविधाओं का निरीक्षण करने के लिए भारत भेजा जिन्होंने नेपाल को अपने उत्पादों की आपूर्ति के लिए आवेदन किया था। दिव्य फार्मेसी के अलावा इस सूची में रेडिएंट पेरेंटेरल्स लिमिटेड, मरकरी लेबोरेटरीज लिमिटेड, एलायंस बायोटेक, केप टेब बायोटेक, एग्लोमेड लिमिटेड, जी लेबोरेटरीज, डेफोल्डिस फार्मास्यूटिकल्स, GLS फार्मा, यूनिजूल्स लाइफ साइंस, कॉन्सेप्ट फार्मास्यूटिकल्स, श्री आनंद लाइफ साइंसेज, IPCA लेबोरेटरीज, केडिला हेल्थ केयर लिमिटेड, डायल फार्मास्यूटिकल्स और मेकोर लेबोरेटरीज शामिल हैं। इसी तरह विभाग ने 19 दिसंबर को जारी एक अन्य नोटिस में वितरकों को भारत की कंपनी ग्लोबल हेल्थ केयर द्वारा निर्मित 500 मिलीलीटर और 5 लीटर हैंड सैनिटाइजर को वापस लेने के लिए कहा। विभाग ने संबंधित संगठनों से हैंड सैनिटाइजर का उपयोग, बिक्री या वितरण नहीं करने को कहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।